30, तो अभी मेरे जाइंट सा ब्रेकफास्ट टाइम, और ब्रेकफास्ट के लिए मैं आ चुकी हूँ किंग्स कैफे पर, जहाँ पर हम लोग खाने वाले हैं अपना ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स, मैंने डिसाइड किया कि ब्रेकफास्ट में मैं खाने वाली हूँ जाइंट सा डोसा। मैं अंक भैया से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी नॉर्मल डोसा जो आता है उससे जाइंट बना दे, तो देखते हैं वो मानता फिर नहीं। चलिए पूछे चलते हैं। और फ्रेंड्स, आज का जो वेदर है वो काफी क्लाउडी भी हो रहा है, तो चलते हैं। अंकल, आज मेरा एक चैलेंज चल रहा है, मुझे जाइंट फूड अपने 24 आवर्स के लिए खाना है। तो डोसा जो होता है आपका इतना होता होगा, तो आप उससे थोड़ा जाइंट बना सकते हो? बिल्कुल बना दोगे? फ्रेंड्स, जो अंकल है वो एक ही बार में मान के अपना जाइंट डोसा बनाने के लिए, तो अंकल एक बना दीजिए और प्लेन वाला बनाना। फ्रेंड्स, मैंने अंकल से बोले एक प्लेन जाइंट डोसा बना दे, पेपर डोसा, तो बहुत यम्मी लगेगा। अब भाई अंकल बनाने जा रहे हैं। हमारा डोसा बनेगा यहाँ पर, और जो साइज होगा वो इतना होगा, वो काफी ज्यादा जाइंट हो जाएगा। तब मेरा डोसा बन रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। आगरा में हुनर हाट लगा है, उसका ये फंक्शन चल रहा है पीछे, और काफी शोर भी हो रहा है और काफी अच्छा है ये सीन। फ्रेंड्स, अब चलते देखते हमारा डोसा रेडी हुआ है या फिर नहीं, और देखते हैं अंक भैया जो है जाइंट डोसा कैसे बना रहे हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, तो अभी भैया जो है तवा रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा डोसा बनना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हो रहा है हमारा जाइंट सा डोसा फोल्ड। डोसे को फिनिश कर दियो, और मुझे तो लगता नहीं है मैं पूरा खा पाऊंगी, तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपने लंच टाइम पर। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 2:30, तो अभी है मेरा जाइंट लंच का टाइम। फ्रेंड्स, मैं बनाने वाली हूँ अपने लंच के लिए जाइंट सैंडविच। फ्रेंड्स, ये इंग्रेडिएंट्स जाइंट सैंडविच के, तो मैंने अपनी नॉर्मल साइज की ब्रेड ले ली है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एक जाइंट ब्रेड में, और बना लेंगे अपनी जाइंट जाइंट सी सैंडविच। और फ्रेंड्स, जो इंग्रेडिएंट है जाइंट सैंडविच बनाने के लिए वो है थोड़ी सी मेयोनीज, प्लस क्यूकम्बर्स, अनियन, टोमेटो, प्लस 8 ब्रेड स्लाइसेस, क्योंकि 4-4 से हम लोग एक बनाएंगे। टोमेटो केचप, मैंने चिली केचप इसलिए से नहीं लिया क्योंकि मुझे चिली ज़्यादा अच्छी लगती है, प्लस एक सीजर्स जिससे हम लोग ब्रेड का ब्राउन ब्राउन कट करेंगे। अब रेडी करते हैं जाइंट ब्रेड। सो फ्रेंड्स, मैंने जो ब्रेड के ब्राउन ब्राउन है वो कट कर लिए, और ये ब्रेड नॉर्मल ब्रेड से काफ़ी ज़्यादा जाइंट लग रही है ना। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें डालेंगे स्टफिंग, जो हमारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैंने डाल दिया यहाँ पर बहुत सारी स्पाइसेस, और इस सैंडविच दिखने में कितनी ज़्यादा यम्मी और माउथ वाटरिंग सी लग रही है। अब हम लोग इसमें रखेंगे अपनी लेयर, जिसमें जिससे हम लोग अपनी सैंडविच की तरह खा सकें। फ्रेंड्स, पर ये पक्का नहीं है कि मैं इसे उठा पाऊँ, क्योंकि ये थोड़ी टूट सकती है।
टू फ्रेंड्स, यहाँ पर हो चुकी है हमारी जाइंट सैंडविच रेडी और इससे मेरा पेट तो आराम से भर जाएगा क्योंकि इसमें पूरी की पूरी 8 ब्रेड्स प्लस इतने सारे वेजिटेबल्स और आप देख सकते हो इसकी लेयर कितनी ज़्यादा थिक है और यम्मी लग रही है बहुत। और मेयोनीज सॉस, केचप और ये सारी स्टफिंग तो बहुत अमेजिंग लगती है। तो अपनी जाइंट ब्रेड को उठाते हैं और खाते हैं फ्रेंड्स। पर मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं उठाऊँगी तो ये गिर ना जाए, ट्राई करते एक बार। इसमें इतनी सारी स्टफिंग है कि जैसे मैं उठा रही हूँ टूट रही है। फ्रेंड्स चैलेंज ये था कि मुझे जाइंट चीज़ बना दी है और जाइंट में खा रही हूँ पर ये उठ नहीं रहा है, तो मैं इसे सिंगल सिंगल खा लेती हूँ या फिर प्लेट से ऐसे करके खा लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब मैंने बहुत अच्छी सैंडविच बनाई है वो भी जाइंट में। मुझे लगा नहीं था कि जाइंट चीज़ में इतनी टेस्टी और यम्मी सैंडविच बन जाएगी एकदम रेगुलर जैसी। और मैं वेजीज एकदम पूरे फुली लोडेड है, अब तक गर्मी का मौसम हो रहा है तो वेजीज जो है हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने भी इतनी सारी ब्रेड खा ली और मेरा पेट में बहुत ज़्यादा फिल हो चुका है, तब भी इतनी सारी सैंडविच बची है मेरे साथ में। 8 ब्रेड और इतने सारे वेजिटेबल्स एक साथ तो खा नहीं सकती हूँ। कुछ जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, कुकुम्बर वगैरह खा ली तो काफ़ी हद तक पेट भर जाता है। इसमें मैंने इतने सारे क्वान्टिटी में डाले थे तो मेरे ख्याल से मैं पूरा तो कम्प्लीटली कर पाऊँगी। मैं इतना और कर लूँगी कि मैं यूजुअली अगर खाती तो 4 ब्रेड्स खा लेती हूँ। ये पूरी पूरी फिलिंग बाहर आ चुकी है। फ्रेंड्स मैं इस ब्रेड को फिनिश करती हूँ और अब मैं आपको मिलती हूँ अपने डिनर टाइम पर, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं ये खाने के बाद स्नैक कर भी पाऊंगी या फिर नहीं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जाइंट सैंडविच और जाइंट सा डोसा खाने के बाद यहाँ पर आ चुके मेरे जाइंट छोले प्लस एक जाइंट सी पूड़ी। फ्रेंड्स जो नॉर्मल पूड़ी होती है वो होती है इतनी और ये है हमारी जाइंट पूड़ी। ये मेरे फेस से भी बड़ी है। और फ्रेंड्स उसके संग है मेरे पास जाइंट की स्पून प्लस जाइंट बाउल जिसमें जाइंट जाइंट से छोले। जाइंट थाली को टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये छोले बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये आ चुके मेरे जाइंट जाइंट से छोले। ये स्पून तो मेरे मुंह के अंदर कंप्लीट भी घुस भी नहीं रही है। फ्रेंड्स छोले थोड़े से स्पाइसी भी है। आज के जाइंट चैलेंज में वैसे मज़ा तो बहुत आया। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मिनीचर फूड पर 24 आवर्स चाहिए या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, मेरे चैनल शान वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। और हाँ फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट 24 आवर्स चैलेंज कौन सा चाहिए। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेक लेक कर एंड बाय बाय।